हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग भावना योगेश। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होगे, हेल्थी होगे, सेफ होगे। तो गाइस, आज मेरी बहुत 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 तबीयत ख़राब है। मेरे को बहुत बुखार आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। कल रात को तो बहुत ही ज़्यादा था, कम से कम 110 डिग्री था। नहीं, कल तो गाइस रात को बहुत ही भयंकर का था। फिर मैं आज घर आई, मतलब सॉरी ऑफिस आई रात को। पहले मैं हमारे घर में दवाई नहीं थी और मैं रात को सो रही थी। मेरे को इतनी कप कप हो रही थी, ऐसे हो रहा ऐसे, मेरे होंठ पूरे नीले हो गए थे। फिर मैंने रात को, मेरे को ऐसा फील हो रहा था मैं मर जाऊँगी। मैं तो तनुदी से कह रही, तनुदी आई भी है ना घर, तो मैं तनुदी से कह रही यार मेरे को ऐसा लग रहा है मैं आज मर जाऊँगी करके। और इतनी लगे तो खराब हो रही, मैं ऐसा ऐसा फट रहा था बहुत ही, और अभी भी ऐसा फट रहा है। फिर क्या हुआ, मैं सोने चली गई। मैंने कल खाना भी नहीं खाया, बस खाना बनाया और रोटी बनाई मैंने। बस सब्जी तंदूरी ने मेरे आने से पहले ही बना दी थी। वो जब से आई हुई है, मतलब जब से रोज़ी गई है एग्ज़ाम के लिए, तो तंदूरी आ गई थी और वही खाना बना रही थी। मतलब सब्जी वही बना के रख दे रही थी, फिर मैं आके रोटी बनवा दे रही थी क्योंकि उन्हें लगा भाभी आएगी थक वक के, तो फिर उन्होंने बना दी थी। बहुत ही अच्छी नंद है मेरी दोनों। तो फिर मैं ऑफिस से जा गई, कल सब्ज़ी बनी हुई थी, रोटी मैंने बनवाई, थोड़ी पार्टी वगैरह करी। पार्टी मतलब चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सब सबके लिए मैं लेके गई थी कल घर की, सब इकट्ठे है। रोज़ी भी कल आ गई वापसी एग्ज़ाम दे के, उनका DRDO का एग्ज़ाम था, जो कि मेरा भी अभी मेरा सेंटर नहीं पढ़ा है, अभी मेरा एडमिट कार्ड आया नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं, नहीं मैं फिर दवाई ववाई खाई, फिर ना रात को मेरे को पैरासीटामॉल मिल गई, मैंने वो खाई और फिर मुझे इतने पसीने आए। मैंने कंबल भी हटा दिया, स्वेटर पहन था वो भी हटा दिया। मुझे इतनी ठंड गर्मी लग गई कि गर्मी में मर गई, मेरी गर्मी के बारे में सारा बुखार निकल गया था। फिर सुबह ना मेरे सर में दर्द हो रहा था, पापा लोगों ने बोला छुट्टी कर ले। आज तो वैसे मंडे है बट मैं मंडे भी ऑफिस आई हूँ क्योंकि मैंने बीच में एक छुट्टी कर ली थी, तो मुझे वो कवर करनी थी, तो आज मैं ऑफिस आ गई थी। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा चली जाती हूँ। मैं ऑफिस आई, मुझे ऑफिस आके फिर वैसी हो गया, ठंडा कप 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 कपी जैसी, इतनी ठंड लग रही थी, मर रही थी मैं ठंडी मारे। फिर मेरे ऑफिस में ये अंजलि है ना, ये मेरे व्लॉग देखती है, ये बैठी है पीछे धूप सेक रही है, तो देखिए मेरा जूम ही नहीं हो रहा। ये जो देख रही है ना लड़की, तो लड़की नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे ऑफिस में। तो हम लोग फिर, मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और फिर हम लोग गए, इन्होंने मुझे दवाई दिलाई, पैसे मेरे ही थे। हाँ, ये मुझे ज़बरदस्ती लेके गई, फिर हमने दवाई, मैंने दवाई खाई, फिर मेरे को, मैं पीछे ऑफिस में सोने के लिए चली गई, मतलब जो एक रेस्ट रूम है वहाँ पर मैं लेट गई। मुझे नींद भी आ गई बहुत तेज़। फिर मैंने एक की वो अवार्ड रखा था, जो बिछाने का नहीं होता, जैसे पेशेंट्स के जो बेड होते हैं उसमें, हमारे ऑफिस में बहुत सारे, तो मैंने वो एक ढका, मुझे तब भी ठंड लग रही। फिर अंजलि आई, अंजलि मुझे वो दूसरा भी ढकाया, फिर मेरे को थोड़ा पसीना आने लगे। अब मेरा फीवर थोड़ा ठीक है, मेरे सर में और बदन में बहुत ही दर्द हो रहा है। आज मुझे अपने हस्बैंड के लिए कपड़े लेने हैं, क्योंकि हमेशा गाइस ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड वैसे भी 3 महीने बाद 1 महीने के लिए आते हैं, 1 महीने के लिए भी आते हैं, हर मतलब उन्हें पूरे मंथ में 60-75 कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं, ऐसी करके कुछ मिलती है। तो वो 1 महीना तो पूरा आते हैं 30 दिन के लिए, 1 महीना 20-22 दिन के लिए आते हैं, और 1 महीना 12-15 दिन के लिए आते हैं। यार ये मुझे लग रहा है सामने मेरी कोई फ़ैन मिलने तो। हाँ तो गाइस, फिर अभी ना आज मुझे उनके लिए, जब भी वो छुट्टी आते हैं ना, जब भी 3 महीने एक बाहर सर है हमारे RL मेमोरियल पैथोलॉजी लैब में, तो ये हेलो गाइस कर रहे हैं वहीं से ही, कह रहे बैक करके मेरी भी बनाओ वीडियो, अब कुछ बात करने लग गए, चले गए। कितना जूम होता है मेरे फ़ोन में, देखो गाइस मैं ये बता रही थी, जब भी मेरे हस्बैंड 3 या 4 महीने बाद जब भी आते हैं, तो मैं उनके लिए कपड़े खरीदती हूँ बिना बताए, क्योंकि वो कभी भी अपने लिए कपड़े ले तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई लेने में दिक्कत है। वो ना नहीं लेते, वो ये सोचते हैं कि मेरा पूरा हो जाए हमेशा, और मैं ये सोचती हूँ जब भी वो 3 महीने बाद आए तो उनके पास नए कपड़े हों, क्योंकि वो खुद तो बनवाते नहीं बता, लेते नहीं, ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें बोलूँगी कपड़े ले लो अपने लिए, तो वो ले लेंगे, मगर उन्हें ज़्यादा शौक़ नहीं है लेने का, उन्हें पहनने का बहुत शौक है, उन्हें अच्छे लगते हैं अलग अलग कपड़े पहनना। पहले कभी उन्होंने ऐसा सब करा नहीं कि अलग अलग कपड़े पहने, जो थे डेली वही पहन लिए, ऐसा मतलब ये नहीं था, कपड़े खरीदने का इतना वो नहीं था। जब से मैं उनकी लाइफ में आई, फिर जैसे मुझे शौक है, मैंने वो उनको भी लगवा दिया हमेशा अलग कपड़े पहनने का, ज़्यादा ज़्यादा कपड़े। अब तो उनके पास इतने कपड़े हैं कि जब से हमारी शादी हुई, जो पुराने कपड़े होंगे वो आज तक पहने ही नहीं, ऐसे हो गया, हर छुट्टी अलग कपड़े। तो मतलब मैं 5 से 6 या 10 हज़ार तक उनके लिए कपड़े, 5 या 6, 7-8 हज़ार तक उनके लिए कपड़े लेती ही लेती हूँ। उसमें 2-3 शर्ट ले लूँगी, 2 टी शर्ट ले लूँगी, 2-3 कैपरी ले लूँगी, जीन्स ले लूँगी, शूज़ ले लूँगी, या सर्दियों में जैकेट स्वेटशर्ट ये सब ले लेती हूँ। तो अब वो आने वाले हैं, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हाँ,
कि कोई आने वाला है, और कौन आने वाला है, वो है मेरे हस्बैंड, और वो आने वाले हैं अभी, आज का डेट है 14, तो वो आने वाले हैं अभी थोड़े दिन बाद, आपको जब पता चल जाएगा। मैं डेट नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, डेट नहीं बता सकती, क्योंकि अलाउड नहीं होता है डेट बताना है, क्योंकि अब फौजी है, सबको अपना अपना रिस्क रहता है ना, तो मतलब बताना अलाउड नहीं होता, मुझे भी सही नहीं लग रहा बताना। आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट थोड़े दिन बाद आने वाले हैं, आपको दिख जाएंगे, फिर डेली हम व्लॉग्स बनाएंगे, और उनके व्लॉग्स आप वैसे बहुत पसंद करते हो, सबको इंतज़ार रहता है उनके आने का, तो फिर हम बहुत अच्छे अच्छे फिर डेली व्लॉग्स बनाए करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ आज उनके लिए कपड़े देने, क्योंकि उसके बाद मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी, उससे पहले वो आ जाएंगे। और मैंने उनको बोला कि मैं कपड़े लेने जाऊंगी आसमान वाले, पहली बार मैंने उनको बताया तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं बाबू नहीं लेने, मैं लूँगा, खुद लूँगा। मैंने कहा नहीं, 3 महीने बाद मैं भी तो उनके लिए कुछ कर सकती हूँ ना, जब जॉब में कर रही हूँ तो मैं इतना तो कर सकती हूँ ना उनके लिए। और गाइस अब तो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं, अभी थोड़े दिन बाद आप देखना कितना सब होगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, मस्त मस्त। तो अभी ना तनु दीदी आई हुई है घर, तो पंकज कल आए थे, पंकजों में विशाल मेगा मार्ट गए थे कुछ सामान लेने के, तो हमने अपने अपने मतलब मैंने अपने ससुर जी के लिए वहाँ से एक हुड लिया था, पंकज ने अपने पापा के लिए हुड लिया था, तो वो दोनों थोड़ा एक्स्ट्रा एल साइज आ, एक्स्ट्रा लार्ज साइज आ गए, हमें वो एल में लेने हैं, तो पंकज भी आ रहे हैं उस हुड को लेके, अभी हम वापस कराने जाएंगे, और मैं हाफ डे ले लेती हूँ, तो अभी हम उसको वापस कराएंगे, फिर उसके बाद विशाल से फिर हम जाएंगे हल्द्वानी अपने हस्बैंड के लिए कपड़े लेने। तो तनु दी भी पंकज के साथ आ रही है, उन्हें अपने हस्बैंड के लिए कुछ एनिवर्सरी का गिफ्ट लेना है, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी 23 को है, मेरी 25 को है, तो उन्हें उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना है। तो तनु दी भी साथ आ रही है, हिद्दू भी आ रहा है साथ में, हार्दिक मतलब, और रोज़ी अपनी कोचिंग से आएगी, रोज़ी भी डायरेक्ट हमें वहीं मिलेगी, हम चारों जाएंगे, पहले हम विशाल जाएंगे, मैं तनु दी और पंकज, फिर आके रोज़ी हमें मार्केट में मिलेगी, मार्केट से हम लेंगे। तो मैंने इसलिए दवाई खाई है कि मार्केट में मुझे हिम्मत रहे सब करने की, सामान वान खरीदने की। तो ठीक है गाइस, वो आ जाते हैं, फिर मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ, ठीक है। और ये अंजलि है, बैठे है, धूप सेक रही है, बुखार मुझे है, धूप ही सेक रही है। अनिता देखो, हाय कर दो, बाय कर दो। हाय ऐसे, बाय ऐसे, नहीं हाय ऐसे, बाय। ठीक है गाइस, बाय। आ गए पंकज और तनु दी, देखो आहा, आज तो जीन्स पहन के आई है मोटी। दुली भी आ गई है और ये स्कूटी में बैठ गया किसी की। मामी को पागल दो, मामी को पागल दो। हेलो गाइस, तनु ने आज जीन्स पहनी है, कितनी मस्त लग रही है देखो। रोजी ने हमारे दिमाग का दही बना रखा है, फोन नहीं उठा रही है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं कहाँ है। चलो बेटा चलो चलो, आपकी ची और की स्कूटी है ना, वो आप अंदर चलेंगे, चलो। और अरे अब जूते क्यों नहीं बना के लाए, जूते क्यों नहीं बनाए इसको। गाड़ी में जाना है इसको। हार्दिक को मैं पैदल चला के ला रही हूँ ऊपर से। चल ट्रॉली में बैठेगा अभी। कहाँ जा रही हो हार्दिक, पीछे देखो देखो देखो, गिरियो मत। आ कुछ हो रही, कुछ हो रहा, पिछले का बोझ हमसे, चलो हमसे हमसे हमसे, खो जाएगी तू बेटी। चो गई थी। हाँ ये बेचारा साइज अपनी मम्मी को तंग करता हुआ हार्दिक। ओ पिदली हार्दिक नीचे उतार दो इसको, घूम। लाइट चली गई, वो ना लाइट चली गई। इचकुली क्या पहले लेना है, लाओ लाओ। अबे पटको मत बेटा, लाओ। हाँ ये मस्त लग रहा है यार, ब्लू वाला। जब हम निकल गए हैं और इसने बहुत तंग कर दिया, कुछ नहीं लेने दिया, ये बहुत ही शैतान बच्चा है। जा रहे हैं, निम निम निम। अभी ना माया
गया प्रकाश भैया के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ना उनकी एनिवर्सरी, तो वो तरुण जी वहाँ ले रही है। और यहाँ रोजी भी आ गई है, बहुत डांट सुन चुकी है सबके मुँह से, ये पिगुलिया खेल रही है। रोजी थैले ले जाने बोलना मैं, हाँ ऐसे वाले में देखो तुम दी। आपको कलर बहुत अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है मुझे तो। और कलर भी है, ब्लैक दिखा दो एक कोई हो तो। हाँ ब्लैक में, ये भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ यहाँ परेशान कर रहे हैं, बैठा दो इसको, बैठा दो टोकरी में। गाइस मैं घर आ गई थी और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कुछ व्लॉग नहीं बना पाई। मार्केट में सब ऐसे ही हो गया कबाड़ा। मैंने अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग कर ली थी, बहुत ही मुश्किल से करीब अभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि हार्दिक बहुत परेशान कर रहा था। अब घर आके खाना वगैरह बना रहे हैं, रोटी रख रखी है, लास्ट ही रोटी बनाते हुए आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत देर से बना रही हूँ वैसे तो, मगर हिम्मत नहीं हो पा रही थी ब्लॉग बनाने की। अब नानू की रोटी बन रही है, तब बिल्कुल भी सच में आँखों में इतने आंसू आ जा रहे हैं ना, नज़र लगी है या पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो बाकी ब्लॉग डाल दिया मैंने वो कब की, मैं तो देखा ही नहीं है, कल तो मैंने देखा, कल तो नहीं दिखा मुझे, डाला है मैंने। मूली काट रही है गाइस, मुझे बिना सलाद के खाना खाने में मजा नहीं आता है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ कटक मटक चाहिए। और ये भाभी मांगेगी तो मैं बिल्कुल मूली नहीं, मैं मूली खाती नहीं, खाते मैं तब भी मिल जाती, मैं खाती नहीं। क्यों नहीं देते वैसे बताओ, क्यों नहीं देते वैसे? इतनी सी है ना यार, पूरा नहीं होगा। झूठी अमिताभ ने बोला तुझे तो मैं बुखार आ रहा है इसलिए नहीं देती। बुखार भी आया है और मतलब तू असलियत है इसलिए नहीं देते, क्योंकि कम है। वाह वाह बिल्कुल, इन्हें क्या हो गया, दो मुर्गी खाना खाएगी ठीक है, अभी खाएगा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। यार मेरा सवाल, मेरा भी तो खेत है, मेरी खेत की मूली किसने खाई? मैंने खाई, बागेश्वर मतलब इसे बाहर किसी शहर में देखा। गाय तनु देगी, हल्दी की वीडियो चल रही है, खाई जा रही, देखो खाई आई दिन आपके पास केवाईसी दस्तावेजों, गाय आपको हमारे साथ दर्द भी लाते हैं, हमें पता से खिलाया आई दिन आपको हमारे साथ भी पता खिलाया, वो बंदे जी में पापा हार्दिक की जैकेट दिखाना बंडे जी। और मैं क्या कर रहा, देखो गाइस हार्दिक की जैकेट, इतनी सुंदर आ ली हमने विशाल से। पापा हुड भी पहन के देख लेना, आपको ठीक आ रहे हैं। हार्दिक जय कर दो बेटा, जय कर दो, जीते रहो जीते रहो, और छुओ बेशरम, देखो बेशरम मौसी, इसमें वहाँ कोई नहीं है बेटा, ये नानी को तो जय कर आओ, नानी को भी करके आओ, नानी को जय करके आओ बेटा, जाओ नानी को, नानी वो जा यहाँ यहाँ इसे कर जे जे पैर में यहाँ पर जे दूसरे वहां जाके मेरे कदमों में गिर गया जीते रहो तो मेरे गले मिल लिया कर बाबू, मेरे को जय मत करा कर। इस गीता चाची कैसे नाच रही, देखो ढिंटका डिंग ढिंग इडली गाइस, मैं घूमने भूल गई, अरे मैं ब्लॉग देखने जा रही थी, मम्मा ले रही हूँ कालू मदारी लगाऊं? आपकी नोज ही आ रही है बेटी, रोज उसका रुमाल लाओ, तंदे के नोट देखो, ये कमल, ये मेरे छोटे वाले देवर है, ये ताई, ये सारी चाची आ गई है, ये मम्मी की बहन है, इस मम्मी की जैसी देखो, मम्मी की चाची की बेटी है, ये मेरी सबसे बड़ी ताई है, ये मीना चाची,
वो पीछे रज्जू भी आके 100 रुपए ले गए, 500 रुपए, 500 मत दे ना तुम्हारा लिया था, मम्मी पापा से ही होंगे तो ए, 50 का नोट रोजी हाथ में तुम्हारे। गाइस मम्मी रो रही है। लोग मम्मी की रोते भी लगाऊंगी ना गाइस। रामलीला हो रही है, रोते रोते डांस नहीं छोड़ना मुझे। गुन्नू के पापा हैं ये, देखो गाइस बिफोर आफ्टर। हेलो तो कह रही बेटी प्रपोज कर दे नाना जी को, गमला रोज नानी को, नानी को, नानी को दे दे, नानी को दे दो, चलो ले लो। मैं आ गई पीछे गई, गाइस देखो पीछे मैं आई हूँ, ये हमारे घर की एक सबसे बुरी डांसर है गाइस, हमारे यहाँ महिला संगीत में सबसे गंदा डांस इन्हीं ने करना है। इनको क्योंकि नहीं आता, दिल्ली में लोग ऐसे अलग अलग तरीके से डांस नहीं करते ना, सब एक ही भीड़ भड़क में घुस जाते हैं। तन तू भी नाच तू भी ना, दिल्ली में मौसी आओ, तन बता भैया, भाभी उनका बेटा देखो, उनका बेटा देखो, वो जाओ वो चले, ये वो चले, या साला तन में मानो, तन गाइस में कैसे डांस, अब मिलो, अब नहीं डालेंगे ना, नहीं डालूंगी कैसे है ये, ये एक गाइस ये एक हमारे घर में चमन आया है, ये इसका कोई ले घाटी ले, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिस समय इसका मन करता है ये हंसने लग जाता है, और जिस समय इनका मन करता है रोने लग जाता है, बस ये देखो यहाँ छुपेगा, ये टेबल के नीचे जाएगा छुपने के लिए, चमन ऐसा नहीं, मैं बताऊंगी, मैं ये गाइस इनके पापा भी कहते तू डांस में ताली लगा रही है, मेरे को आदत है ना यार, ये वाला कैसे द्वारा ये ताली मारते ऐसे घूमने आता, तुमने बताई मैं कैसे करती है वो बता, तुमने झूठ मत बोल, ऐसे तो भी नहीं करा करते हो भाई, देखो तुम कोई भी डांस ऐसा करके ऐसा बोल दो तो होता ही होता है भाई, वो हंस रहा है और तुम कैसे करते हो, मैं करती हूँ यार, ये तो मेरा होता ही है, बाबा इस पे करो ना इस गाने पे, हाँ रोज ही गाइस ऐसे ही, अब मेरी तरह तो क्यों मर, कमर क्यों मटका रहे हो, ये तो मैं पहले से मटका रही हूँ, तुमको तो आता ही नहीं है। तो गाइस देखो मेरी चीटिंग तो सारी है, ए, मेरी चीटिंग है,
500 रुपए लेके आए क्यों मम्मी आपको 2000 देते यार। अरे तनुदी को दिए थे 2000 ना, रोजी तुम्हें 5 दिए थे, कितनी गंदी है देखो बाबू, देख लो देख लो कैसे बोल रही है ये। मम्मी क्या कर रही है? तुमने ड्रिंक कर दी, पायल ले गया रजली, पायल ले गया जाओ पापा के पास। नहीं और देख मेरे को ठंडा लग रहा। गाय जी तनु देगी नंद है, वो जेठानी है कोने वाली, बीच वाली नंद है पौनी मतलब। मेरी गलती सुना है कोई मारा सी। ये मम्मी है, ये तनुदी है, वो तनुदी के जेठ हैं बगल वाले। यही पे एंड करते, बाय बड़े बाय बाय। वहां देख लेते हम कैसी शादी। बाय बोलो जी, बाय गाइस, दादा भी थे तो बाय बोलो। यहाँ भी वीडियो आ रही थी, मैंने कहा सबसे ज्यादा स्पीड कौन करा था ही दादा। ठीक है गाइस, ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कपड़े क्या क्या लाई हूँ मैं वो आपको परसों दिखाऊंगी, जो मेरे पति आने वाले हैं ना 4 दिन बाद। तब अभी गाइस ये रोजी खड़ी है बारात का स्वागत करने के लिए, सब कपड़े लेकर आई हूँ, मगर अभी मेरे को बहुत बुखार आ रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी खोल के दिखाने की, तो मैं सब आपको बाद में दिखाऊंगी ठीक है, कल नहीं जब मेरे हस्बैंड आने के तब ठीक है, कि क्या क्या लाइयो करके।